वाटर में कोई दिक्कत हो रहा है क्या? देख सकते हो आप लाइट कैसे हो रहा है। तो है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि आप सभी को पता है, बाइक में फॉग लाइट किसे नहीं चाहिए, सभी को चाहिए ज़्यादा ब्राइटनेस होने के लिए। तो आज उसी फॉग लाइट, ये जो HJG का लाइट है, मेरा चैनल पे काफ़ी सारा इसके वीडियो है ऑलरेडी, आप देख सकते हो वहाँ पर। तो इसके हम आज एक एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं इस लाइट के ऊपर। इसको पानी पे सबसे पहले रखेंगे, उसके बाद इसको जलाएंगे, उसके बाद इसको खोल के देखेंगे अंदर तक पानी जाता है या फिर नहीं, थोड़ा सा भी पानी लीकेज हो रहा है या फिर नहीं, वो भी चेक करेंगे। तो ये कमेंट मुझे किया था किसी भाई ने, उन्होंने बोला था जे इसको तो आपने खोल के दिखाया था जे इसके अंदर क्या कुछ है क्या कुछ नहीं, तो इसको एक बार पानी के अंदर रख के उसके बाद इसको खोल के दिखाना जे इसके अंदर पानी जा रहा है या फिर नहीं। तो उसी भाई के लिए हम इस वीडियो को बना रहा है, और वो भी ट्राई कर लेते हैं जो उन्होंने जो बोला था, हमें लगा वो भी सही है, तो वो भी चेक करेंगे। तो मुझे भी पता नहीं इसके अंदर पानी जाएगा या फिर नहीं, आपको क्या लगता है आप प्लीज़ कमेंट करके बता सकते हो इसके अंदर पानी जाएगा या फिर नहीं, या फिर लाइट को पानी के अंदर रख के जलाएंगे तो लाइट का कोई प्रॉब्लम होगा या फिर नहीं, वो भी चेक करेंगे। तो उससे पहले चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस, यहाँ पर लाइट है, आप देख सकते हो, पहले भी मैंने दिखाया था लाइट को, देख सकते हो। तो यहाँ पर मैंने कनेक्शन कर दिया है लाइट का, यहाँ पर मैं 12 वोल्ट के कनेक्शन किया है, 12 वोल्ट का, ठीक है। तो इसको जला के दिखाऊंगा आप लोगों को। और यहाँ पर मैं पानी भी लेकर आ चुका हूँ, इसको पानी में हम डालेंगे, उसके बाद 2 मिनट तक रखेंगे जला के, ये कैसा वर्क कर रहा है पानी के अंदर, या पर पानी लीकेज हो रहा है कि नहीं, मैं इसको खोल के भी दिखाऊंगा, जैसे कि भाई ने कमेंट करके बताया था, इसको खोल के भी दिखाऊंगा इसके अंदर पानी लीकेज हो रहा है या फिर नहीं, सब कुछ मैं लाइव करके दिखाऊंगा आप लोगों को। तो वीडियो तो लास्ट तक बने रहे, और इसको मैं अभी आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ। लाइट बिल्कुल जल रहा है, देख सकते हो लाइट जल रहा है। और गाइस, एक चीज़ मैं अभी नोटिस किया है, अगर आप दोनों वायर को यहाँ पर कनेक्शन कर देते हो तो दोनों लाइट जल रहा है, ठीक है, येलो भी जल रहा है और वाइट भी जल रहा है, ये देखो दोनों लाइट जल रहा है, देखो अभी वाइट अभी येलो भी जल रहा है। एक मिनट, मैं कैमरा को फोकस कर लेती हूँ। अभी देखो गाइस, सिर्फ एक लाइट जल रहा है, अभी इसी को हम दो लाइट जला सकते हैं। देखो बीम कितना ज़्यादा बड़ा हुआ है, ऊपर वाला जो है वो वाइट वाला है और नीचे का जो है येलो वाला है, देख सकते हो। दोनों लाइट को हम एक साथ जला सकते हैं, तो मतलब कि चार, दोनों लाइट में चार लाइट ऐसे जला सकते हो, देख सकते हो आप। यहाँ पर दोनों का कनेक्शन अगर एक साथ कर देते हो तो ज़्यादा ब्राइटनेस होगा, यहाँ पर आपको येलो भी मिलेगा वाइट भी मिलेगा। पता नहीं ऐसा कर सकते या फिर नहीं, लेकिन यहाँ पर तो जल रहा है, मुझे पता नहीं तो इस बारे में मैं कुछ बोल नहीं सकता, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने अभी अभी दिखा है कनेक्शन करने के समय, दोनों वायर को अब एक साथ कनेक्ट कर रही हूँ तो दोनों लाइट जल रहा है। पहले वाला जो था वो सिर्फ येलो वाला जल रहा था, लेकिन यहाँ पर दोनों जल रहा है, ठीक है। तो अब एक ही लाइट को यूज़ कीजिएगा, वाइट वाला जब यूज़ करेगा तो वाइट वाला इसी यूज़ कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अभी वाटर में टेस्ट कर लेते हैं। तो गाइस, यहाँ पर वाटर पानी आ गया है, देख सकते हो। तो यहाँ पर हम इसको डालेंगे, ठीक है ना, इसके अंदर ये रुकेगा, तो ऐसे ही रख देते हैं 2 मिनट तक, हम 2 मिनट बाद हम आपको दिखाते हैं। गाइस, यहाँ पर लाइट में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है क्या? लाइट का लाइट चला गया, अभी अभी आ रहा है, ऐसे क्यों कर रहे है? वाटर में कोई दिक्कत हो रहा है क्या? देख सकते हो आप लाइट कैसे हो रहा है, मैं कनेक्शन देख लेती हूँ एक बार, ऐसे तो नहीं होना चाहिए। तो गाइस, मैंने चेक किया है, यहाँ पर जो मेरा प्लग है उसमें मेरा थोड़ा सा प्रॉब्लम था, इसलिए ऐसा हुआ था। अभी मैंने कनेक्शन प्रॉपर्ली कर दिया है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, अभी बिल्कुल परफेक्टली है। तो रहने देते हैं इसको, ऑलरेडी 1 मिनट पार हो गया है गाइस। तो ऑल राइट गाइस, मैंने ऑलरेडी वीडियो को पॉज कर दिया था,
तो अभी हमारा लाइट का जो 2 मिनट है कम्प्लीटली हो चुका है और देख सकते हो लाइट बिल्कुल प्रॉपरली वर्क कर रहा है। अभी इसको खोल के देखेंगे यह पर कोई पानी लीकेज हो रहा है या फिर नहीं, तो चलिए देख लेते हैं वो भी। तो यहाँ पर गाइस हम पानी को थोड़ा सा क्लीन कर लेंगे सबसे पहले, ताकि खोलने के टाइम अंदर की तरफ पानी चला ना जाए, इसी पानी सेम पानी जो है ये अंदर ना जाए। अगर आप क्लीन नहीं करेंगे तो हम अच्छे से देख नहीं पाएंगे तो इसके अंदर लीकेज हो रहा है या फिर नहीं। तो हमने क्लीन कर लिया है ऑलमोस्ट, तो अभी इसको एलेंकी से हम खोल लेंगे सबसे पहले। ये रहा हमारा एलेंकी, इसको हम खोल लेंगे, ठीक है ना। तो खोल लेते हैं गाइस हम। तो गाइस हमने तीनों बोल्ट को हम खोल लिया है, यहाँ पर पानी देख सकते हो साइड में। तो अभी इसको खोल लेंगे, उसके बाद देखेंगे यह पर लिक्विड अंदर जा रहा है या फिर नहीं। यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर हम लिक्विड देख सकते हो, यहाँ पर भी लिक्विड है थोड़ा सा, ठीक है। इसको क्लीन कर लेते हैं। क्लीन कर लिया, ऑलराइट गाइस। अभी लेंस को खोलेंगे, ठीक है। सबसे बढ़िया बात जो है लेंस को खोलने के बाद हम देखेंगे अंदर पानी क्या है या फिर नहीं। यहाँ पर तो पानी आ सकता है, लेकिन यहाँ पर जो सील है रबर है इसके अंदर जाना नहीं चाहिए। यहाँ तक आएगा तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि यहाँ पर लेंस पे लगेगा तो यहाँ पर भी आएगा। तो यहाँ पर इसीलिए यहाँ पर दिया हुआ है ये कवर, ताकि अंदर ना जाए, ठीक है। तो वो भी देख लेते हैं। अभी इसको खोलना थोड़ा सा टफ है, खोल गया है, ये रहा गाइस हमने खोल लिया है, देख सकते हो। तो यहाँ पर गाइस हमें कोई लिक्विड नहीं दिख रहा है, देख सकते हो आप, कोई भी वाटर वगैरह कुछ भी नहीं दिख रहा है अंदर की तरफ, बिल्कुल बिल्कुल सूखा हुआ है, देख सकते हो आप, कोई भी लिक्विड नज़र नहीं आ रहा है, थोड़ा सा भी लिक्विड नहीं आ रहा है। तो ये गाइस बिल्कुल 100% वाटरप्रूफ है, ये मैं बोल सकती हूँ आप लोगों को, ये 100% वाटरप्रूफ है, ये आप मान सकते हो, क्योंकि कोई भी लिक्विड वगैरह कुछ भी नहीं आ रहा है गाइस। तो मैं इसको लगा दूंगा, उसके पहले मैं एक बार आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ। ये जब वाइट वाला जलता है ना, तब सिर्फ ये लाइट जलेगा, देख सकते हो गाइस, सिर्फ नीचे का जल रहा है। अभी मैं दोनों को कनेक्शन कर दूंगा ना, तो दोनों लाइट जलेगा, योलो वाला भी जलेगा, देखो दोनों जल रहे हैं, देख रहे हो, बिल्कुल दोनों लाइट जल रहे हैं, जैसे कि वार्म कलर हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने ऑफ कर दिया है लाइट को। तो यहाँ पर जो भाई ने कमेंट किया है उसका रिज़ल्ट आप देख सकते हो खुद ही, अगर आप देख रहे हो वीडियो को। यहाँ पर कोई लिक्विड आपको नहीं दिख रहा है अंदर की तरफ, कोई भी वाटर लीकेज नहीं हो रहा है, तो आप बेझिझक इस लाइट को ले सकते हो। और आई होप कि गाइस ये जो एक्सपेरिमेंट है आपको कैसा लगा, ये तो आप कमेंट करके बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी और नई टॉपिक के साथ।